अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, जो क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है जो लोग कुवैत में जाना चाहते हैं और जो भी लोग जाते हैं तो उनका खर्चा कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। एक अभी अपडेट आई है अलमुतैरी की तरफ से और ये जो है काफ़ी अच्छी अपडेट है और हो सकता है इस चीज़ पर जो है कुवैत सरकार को सोचे और डायरेक्टली जो है फ्लाइट वो चालू करने की इजाज़त दे दे। बात करते हैं अलमुतैरी तरफ से बताया गया है, बड़ा बयान जारी किया गया है और ये बताया गया है जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है और जो अदर कंपनियां जो पैकेज देती हैं पूरा कम से कम उसमें 300 KD, 400 KD, 500 KD जो लोग हैं वो खर्चा करके जाते हैं, लेकिन ये जो सारा खर्चा है अगर कुवैत के अंदर डायरेक्टली फ्लाइट शुरू हो जाएगी तो ये सारा खर्चा जो आएगा कुवैत के अंदर आ जाएगा और इससे होटल जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। और इसमें ये सारी चीज़ें देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही फ़्लाइटें चालू की जाएं और इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बात करें खर्चे की तो खर्चा 300 KD जो है एक बंदे का आ रहा है, जिसमें कि 5 चीज़ें आपको पूरे पैकेज के अंदर दी जा रही हैं। PCR टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जो कि जहाँ पर आपको PCR टेस्ट कराना है, और होटल का जो खर्चा होएगा खाने पीने का वो भी उसी के अंदर इंक्लूड है, टिकट बुकिंग है और भी कुछ इसमें जो चीज़ें इंक्लूड है, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इंक्लूड की गई हैं। तो 300 KD जो लोग पैकेज ले रहे हैं वो खर्चा आ रहा है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो बताइए खर्चा कितना आएगा, अगर हम भाई किसी भी कंट्री के होकर जाना चाहें तो खर्चा कितना आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 300 KD आपका खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है आप किस ट्रेवल एजेंसी से जो है अपना पैकेज पूरा ले रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ आपकी तय हो रही हैं, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर जो है इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, इस जगह आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा हो सके कि कितना आपका खर्चा है, जो आप कुवैत पहुंचेंगे तो कितना खर्चा आ सकता है। अब अगली अपडेट जो थी वो यही है कि अब जो जितने भी फ्लाइटें हैं वो बाय होके जा रही हैं, जैसे कि दुबई होके जा रही हैं, इथियोपिया होके जा रही हैं और भी अदर कंट्रियों में होके जा रही हैं। तो ये जो सारा खर्चा है, जो सारा पैसा है वो अदर जो कंट्रियां हैं वो कमा रही हैं। तो डायरेक्टली जो फ्लाइट अगर कुवैत के अंदर जाती है तो जो भी होटल बुकिंग रहेगा किसी भी तरीके का कहीं पर भी रहेगा तो सारा पैसा कुवैत के अंदर जाएगा। तो उससे जो है कुवैत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुधरेगी और वहाँ पे कमाई वगैरह होगी। तो ये भी एक बड़ी बात है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था 300 मिलियन का घाटा जो है कुवैत को हुआ है इसी चीज़ से, जो लोग वहाँ पे जाते हैं टूरिज्म से और ये अलग अलग कंट्रियों में लोग होकर जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो उसको देखते हुए ये नई अपडेट की जारी की गई है, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है कार एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हुई है, जो कि अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी ड्राइविंग करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल तरीके से स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे। अगर आप भी इस तरीके का कोई कामकाज करते हैं ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा ताकि आपको कोई परेशानी न होए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अवेलेबल रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहते। चलिए फिर मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।